मध्य प्रदेश में बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के उपचुनाव से जुड़ी हुई दूसरा नतीजा आया सामने। सुवासरा से बीजेपी के हरदीप सिंह डंग जीते हैं, कांग्रेस के राकेश पाटीदार को हराया है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का दूसरा नतीजा, और अब इस हार पर एक रिएक्शन मैं जरूर लूंगा, लेकिन मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं अंशुमन जी, हालांकि मैं कोई पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं किसी भी पार्टी का, लेकिन यहां भी वही दिक्कत कि आपने चेहरा कौन सा लेकर आए। हरदीप सिंह डंग दूसरी बार के विधायक थे और उस क्षेत्र में अपनी एक ईमानदार छवि बनाकर चल रहे थे, आपको उनके खिलाफ एक बड़ा और मजबूत प्रत्याशी उतारने की जरूरत थी। अब्बास भाई, देखिए, पार्टी का सर्वे होता है, आंतरिक सर्वे होता है, जनता के बीच में जाके, कार्यकर्ताओं के बीच में जाके जहाँ जिसका नाम आता है, बिल्कुल निष्पक्षता के साथ कमलनाथ जी ने टिकट वितरण किया। हमेशा 2018 की बात हो या 2020 के उपचुनाव की बात हो, ये हमने सबने सब तरफ देखा, लेकिन जनता के मन में क्या होता है वोट डालने के समय, बदलता रहता है मामले। अब जनता ने किसी को नहीं चुना तो ये जनता का